उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी और खाली पड़े पदों को भरने में हो रही देरी का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विरोध किया है। इस विरोध के स्वरूप में उन्होंने डिस्पेंसरी रोड स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा से गांधी पार्क देहरादून में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह बेरोजगारों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर विभागों में कई पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार अभी तक रिक्त पदों को नहीं भर पाई है, जिसके विरोध में कांग्रेस यह पदयात्रा निकाल रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये बेरोजगार नौजवानों के लिए 2024 का हमारा संकल्प कि यदि 2024 में हम परिवर्तन ला पाते हैं देश की राजनीति में, तो हमारा जो पहला एजेंडा होगा वो रोजगार सृजन होगा। देश के नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए जाएंगे और सरकारी खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। और उत्तराखंड के नौजवानों से भी हम कहना चाहते हैं, आपके साथ जो पिछले 6-7 साल से खिलवाड़ हो रहा है, हम उससे बहुत दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस